हेलो, ड्राइव सीरीज का वीडियो नंबर 5 डेनियल पिंक का। यहाँ पे हम बात करें हम क्यों मोटिवेट होते हैं, कैसे होते हैं। तो यहाँ इस वीडियो की मेन थॉट है कि हाउ वी थिंक अबाउट व्हाट वी डू। यानी कि जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल काम को कर रहे होते हैं, तो हम क्या सोच रहे होते हैं उस काम को करते वक्त। एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लीजिए गेम है कि जहाँ किसी व्यक्ति ने हमें 10,000 रुपये दिए और उन 10,000 रुपये में से बोला गया कि भाई 5,000 आप रख लो और 5,000 अपने इस दोस्त को दे दो, तो सब लोग ठीक रहेंगे, कोई शिकवा नहीं रहेगा कि भाई इसको कितने दिए। अगर बोला जाएगा कि भाई 6,000 तो आप रख लो, 4,000 अपने दोस्त को दे दो, तब भी दिमाग में कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं उठेगी। पर अगर उस व्यक्ति ने जो बंटवारा किया कि 8,000 रुपये खुद रख लिए और 2,000 उसको दिए, या 9,000 खुद रख लिए 1,000 उसको दिया, तो जो 1,000 वाला व्यक्ति है शायद वो ठुकरा दे उस 1,000 रुपये को लेने के लिए कि ये बात ठीक नहीं है। उसको मेंटली अपने दिमाग में लगेगा कि ये तो गलत बात है, इसने इतने पैसे खुद रख लिए और मुझे दे नहीं रहा, मैं इसको भी नहीं लेता। तो हमारा इमोशन काम करता है वहाँ पर रादर देन हमारा ब्रेन। तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इमोशंस के हिसाब से काम करते हैं। इसीलिए जब इकोनॉमिक्स की बात की जाती है, कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ मनी है, पर वो स्टडी ऑफ मनी नहीं है, वो स्टडी ऑफ बिलीव है कि हम उसके बारे में कैसे बिहेव करते हैं, क्या बिलीव करते हैं, वो स्टडी है। तो जब आप किसी भी काम के बारे में उसके कॉस्ट और एक्शन को, उसके बेनिफिट को देखते हो, तब आप एक्ट करते हो, तो उसके हिसाब से आप सबसे अच्छा डिसीज़न लेते हो। पर यहाँ पे आपके ह्यूमन बिहेवियर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए डैनियल कहनमैन, जिनको नोबल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स पे, जबकि वो थे साइकोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट नहीं थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस बात को आगे रखा कि जो इकोनॉमी है वो मनी फोकस्ड नहीं है, वो ह्यूमन बिहेवियर फोकस्ड है। यानी कि जब हम किसी कंपनी को बना रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचने की बात कर रहे हैं, कोई भी फाइनेंशियल काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा काम करती है। शेयर मार्केट ऊपर नीचे गिरता है क्योंकि वो ह्यूमन साइकोलॉजी को फॉलो करता है। ये बुरा हो गया तो शायद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो अपने पैसे निकालो, या ये पैसे इस समय सब लोग निकाल रहे हैं तो ये लगाने का मौका है, वहाँ पे आप उस इमोशन के साथ पैसे लगा रहे हो। तो यहाँ पे एक सोची समझी रणनीति से ज़्यादा इमोशन का रोल ज़्यादा होता है। इसीलिए इकोनॉमिक्स जो होती है वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है कि मास ज़्यादातर लोग किस तरीके से इसको सोच रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब हम अपने मोटिवेशन की बात कर रहे होते हैं, तो हमारा मोटिवेशन हमारा बिहेवियर ही है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम उस चीज़ को लेकर कैसे सोच रहे हैं। तो दिस इज़ वीडियो नंबर 5।